आज तक आपने ये रेगिस्तान का ऊँट रेगिस्तान में देखा होगा, इसको रेगिस्तान में हवाई जहाज कहा जाता है, लेकिन यह ऊँट, यह रेगिस्तान का हवाई जहाज जनपद बागपत में भी देखने को मिल रहा है। अब ये जो साथी हमारे बैठे हुए हैं, जानेंगे इनसे कहाँ से हैं और ये ऊँट गाड़ी जो ले रहे हैं, ये जो रेगिस्तान का जिसे जहाज हवाई जहाज कहा जाता है, ये कहाँ पे रहते हैं जी? कोताना जैसी जी। कोताना से? हाँ जी, बागपत के गांव कोताना से। हाँ जी, अच्छा, जिला बागपत। कब से ऊँट गाड़ी रखते हो? ऊँट गाड़ी 10 साल हो ली जी। 10 साल से? हाँ जी। अच्छा, क्या करते हो? बुश का काम करते हैं जी। काम करते हो? हाँ जी। कैमरे की भी देख लो भाई, हम कह रहे थोड़ा सा अब। अच्छा, बुश का काम करते हैं जी। जी हाँ। अच्छा, कितने ऊँट होंगे गांव में? ऊँट हैं जी 25-30 कम से कम, पूरे गांव में। हाँ जी, पूरे गांव में। अच्छा, और तो ये भूसका ही काम है? भूसका ही काम है जी सारों का। तो अच्छा, आपके घर में कितने ऊँट हैं? हमारे घर में 4 ऊँट हैं जी। 4 ऊँट है। हाँ। अच्छा, इसको रेगिस्तान का हवाई जहाज कहा जाता है। हाँ, खर्च कितना आता है इसका? इसका खर्च 200 रुपए रोज का जी। 200 रुपए रोज का? हाँ, ट्रैक्टर से सस्ता पड़ता है। हाँ जी। अच्छा, ये हमारे यहाँ पर आप जो हम चर्चा कर रहे थे, ये कोताना के रहने वाले हैं और इनका कहना है कि पूरे गांव में लगभग 50 से 60 ये जो रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाला, जिसको हम ऊँट कहते हैं, कैमिल कहते हैं, ये रेगिस्तान का हवाई जहाज है।